अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ तेंडली की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो ये मसाले इसमें पड़ेंगे उसका टेस्ट बहुत ही ये सब्ज़ी में अच्छा आता है, और तेंडली की भाजी भी सब खाना पसंद करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सूखी तेंडली की सब्ज़ी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गर्म करने रख दिया है, उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 करी लहसुन की बारीक कटी हुई। तो ये लहसुन को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भूनेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा हमें प्याज को एकदम नहीं भुनना है, बस हल्का सा कलर आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेंडली की सब्ज़ी। तो ये तेंडली की सब्ज़ी मैंने ली थी 250 ग्राम जिसे मैंने इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सब्ज़ी को भूनेंगे ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से भुन जाए। जितनी अच्छी ये सब्ज़ी भुनी जाती है उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो 5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ये अमचूर पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। साथ में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और फिर से हम इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो जो चिली फ्लेक्स है, अमचूर पाउडर है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है आता है। 1 मिनट हाई फ्लेम पर भुनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, लगभग 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि हमने सब्ज़ी को पहले भूना था तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा गलने के लिए। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारी मज़ेदार सब्ज़ी जो है वो अब बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये तेंडली की सब्ज़ी इस तरीके से बनती है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर फिर से भूनेंगे 1 मिनट के लिए ताकि जो तेल है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और सब्ज़ी भी हमारी भुन जाए। ये देखिए कितने अच्छे से तेंडली गल गई है। तो बस हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है और हमारी मज़ेदार तेंडली की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल राइस के साथ, या आप टिफ़िन बॉक्स में भी ये सब्ज़ी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आपको ये कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।